वेलकम भाई दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो फैमिली, सबसे पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी मेरे चैनल पर न्यू हैं या फिर जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। और गाइस, सब्सक्राइब के जस्ट बराबर भी छोटा सा बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस कर दिया करो ताकि मैं जो भी अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा। तो फैमिली, कल की वीडियो में आप लोगों ने देखा कि कैसे हमने शॉपर से देखिए अपने पूरे वन साइड से मिनी जू को कवर कर दिया है और अब देखिए कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है हमारा मिनी जू बैक साइड से। और अभी गाइस इधर से रह गया है थोड़ा और ये वाला एरिया बाकी रह गया है, इसको हम बाद में करेंगे, वो बहुत ज्यादा जरूरी था। अब उससे क्या होगा कि हमारे जो बर्ड्स हैं वो एक तो ठंड से बचे रहेंगे और साथ में जो फैलकॉन बार बार अटैक कर रहा था हमारे नन्हे परिंदों पर, हमारे जो नन्हे परिंदे हैं अब वो फैलकॉन अटैक से बचे रहेंगे और सेफ भी रहेंगे। ठीक है, तो गाइस आज ना मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ बहुत स्पेशल है। आज मैं आप लोगों को किसी नन्हे मुन्ने और प्यारे से मेहमान से मिलाने वाली हूँ जो कि हमारे सेटअप पर नए नए आया है। तो उसके लिए ना हमें चलना होगा अपने ऊपर पिजन सेटअप पर, क्योंकि वो जो नया नन्ना मेहमान है वो वहीं पर है। तो फटाफट से मेरे साथ चले पिजन सेटअप पर और वहीं पर मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ। ठीक है, सो गाइज अभी मैं आ गई हूँ अपने पिजन सेटअप पर। और देखिए गाइज, जैसे ही मैं छत पर आई हूँ, देखिए सुबह तक तो मौसम ठीक था, अच्छे से धूप भी निकली हुई थी, लेकिन अभी देखिए मैं देख रही हूँ चारों तरफ फॉग ही फॉग दिखाई दे रहा है मुझे। सर्दी तो नहीं है बट फॉग दिखाई दे रहा है। बट गाइज ये वो वाला फॉग नहीं है, आई थिंक ये पॉल्यूशन वाला है। सब में ना ऐसी ऐसी हो रहा है, बिल्कुल एकदम धुंधला धुंधला सा, और मौसम में भी एकदम चेंज आने लगा है धीरे धीरे जैसे जैसे विंटर सीजन आने वाली है। तो खैर गाइस, बिना देरी किए अब मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ अपने छत के उस खूबसूरत से नायाब से परिंदे से जो कि अभी जल्दी में ही हमारे छत पर निकला है। और उसे देखकर ना आप लोग भी कहेंगे इट्स सो ब्यूटीफुल एंड सो इंटरेस्टिंग। तो जल्दी से मैं लेकर चलती हूँ आप लोगों को उसके पास और मिलवाती हूँ आप लोगों से। तो दरअसल गाइज मैं आप लोगों से इसी के बारे में बातें कर रही थी। और आप लोग देखिए, ये हमारे लैला मजनू का दूसरा वाला बच्चा निकला है। इससे पहले जो एक बच्चा निकला था वो तो हमने अपने सिराजी के जोड़े को दे दिया था, वो लोग उसकी केयर कर रहे हैं। और ये जो दूसरा बच्चा इनका निकला है ये वही बच्चा है जो कि अब इन्होंने जल्दी में ही पाल पोस के बड़ा किया है। तो गाइज देख रहे हैं आप लोग कितना ज्यादा सुंदर है, क्योंकि हमारे जो लकी कबूतर है ना वो एकदम से प्योर व्हाइट कलर में है, कोई भी बिल्कुल ब्लैक शेड नहीं है। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि ये जो है गाइस ऐसे कैसे निकला है, मतलब पूरा आगे से तो व्हाइट कलर में है, आगे से तो पूरा व्हाइट है लेकिन पीछे से जो इसकी टेल है वो उस पर देखिए व्हाइट एंड ब्लैक शेड है। और ब्लैक शेड जो है ना गाइस इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है। और मैं तो इतनी ज्यादा खुश हूँ, ये पता है खुद से गाइस बाहर निकलने की कोशिश भी करने लगा है, लेकिन अभी ऐसे आता तो नहीं है बाहर, लेकिन कोशिश पूरी करता है। और अभी देखिए धीरे धीरे ये और बड़ा हो जाएगा। और गाइज अभी ये आप लोग ये सोचिए कि जैसे ये और बड़ा हो जाएगा और इसकी जो ये जो टेल है पीछे से और बड़ी होगी, मतलब जैसे कि ये वाले जो लकी कबूतर होते हैं पिकॉक की तरह होते हैं ना, पीछे से इनकी जो टेल होती है, और जब ये और बड़ा हो जाएगा तो कितना ज्यादा अच्छा लगेगा पूरा जब खिल के निकलेगा। चलिए गाइज अब मैं आप लोगों को इसका नजदीक से शौक करा देती हूँ। तो गाइस देखा आप लोगों ने, हमारे जो लकी कबूतर का बच्चा है वो कितना ज्यादा खूबसूरत है।
और मुझे पता है कि मेरी पूरी YouTube फैमिली को ये बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि लकी कबूतर के जोड़े को ही मेरी पूरी YouTube फैमिली इतना ज्यादा पसंद करती थी, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहते हैं इनको लेकर, यानी कि हमारे लैला और मजनू को लेकर। और जब इनका पहली बार इतना सुंदर बच्चा निकला है, तो अब आप लोगों को कितना ज्यादा अच्छा लग रहा होगा, है ना फैमिली। तो कमेंट्स करके जरूर बताना कि ये खूबसूरत सा नन्ना मुन्ना परिंदा आप लोगों को कैसा लगा, और साथ ही में इसकी जो खूबसूरती है उसके बारे में भी दो लाइन जरूर लिख देना, क्योंकि फैमिली मेरी छत पर ये फर्स्ट टाइम है जब लकी कबूतर का इतना सुंदर बच्चा हमारी छत पे निकला है। और गाइज, क्योंकि जो इसके पेरेंट्स हैं आप लोग देख सकते हैं पूरे व्हाइट कलर में है, लेकिन ये जो है इसकी जो टेल है ना आधी ब्लैक एंड आधी व्हाइट है, तो ये थोड़ा डिफरेंट हुआ ना। तो आप लोग बताना कैसा लगा आप लोगों को, और साथ में फैमिली इसका हमें क्या नाम रखना है वो भी बताना, क्योंकि देखिए अभी तक ये हमारी छत पर बिल्कुल अलग सा बच्चा निकल कर आया लकी कबूतर का, और साथ में बाकी के पिजन के जितने भी बेबी हैं उनसे भी थोड़ा डिफरेंट है ना, तो इसको अच्छा सा नाम देंगे वो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत, और आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं, कल मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का और परिंदों का अच्छे से ख्याल रखना। ब्लॉगर कोकी पेट्स चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। बाय बाय एंड टेक केयर।